हाँ, मैंने सुबह बांटा था जाते समय। हम भवनेश्वर से लौट रहे हैं, वहाँ दूर दूर तक दे रहे हैं। अभी लोग धीरे धीरे हमको जान जाएंगे कि पास में आके रोटी लेने लगेंगे। ले भागो मत, भागो मत, ले ये रखा है, ये ले ले भागो मत, ये रखा है, ले एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, ले खाओ। नीचे गेहूँ पड़ा है, देखो ये लोग बहुत बहुत तोड़ के गिराते हैं, इसीलिए बाग वाले जो है इनको रखवाली करते हैं। लो खा दबा के इन लोगों के लिए गुलर का पेड़, बाग, जंगल, ऐसा एक जगह हो, कहीं कहीं पेड़ है ही नहीं। अब ये सब आम के पेड़, ये सब मतलब इनकी रखवाली होती है। देखो आया छोटा बच्चा, रोटी लेके गया, ले सामने दिखा के डालो, वरना जंगली है एकदम। ये दो, ये रखा है, लो ये दे दो, खाओ, खा दो, खा दो, आओ खा दो भैया, खा लो भैया, थोड़ा यहाँ भी लेके आके खा लो, ले ये रखा है, ये रखा है। अरे छोटे से बच्चू बच्चू बैठे हैं, अले लाम लाम, अले लाम लाम, ये छोटे से बच्चू बच्चू बैठे हैं। हमने एक बार झांक के देख लिया तो मारे डर के बंदरिया भाग गई वहाँ। लो भैया पेड़ के में यहाँ भी रख रहे हैं, देव खाओ, ये लो, ये खाओ, ले ये रखा है, देव खाओ, भागो मत। अब बालाजी छोटे से बैठे हैं भैया, वो बालाजी छोटे से बैठे, ये लो, ये रख दिया, देव खाओ, खाओ आके, आओ आओ खाओ। अंधा समाज है। हनुमान चालीसा बहुत पढ़ते हैं। अच्छा, हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी मिलेंगे? ए उस पेड़ में है वहाँ। अरे वहाँ भाई बन गया काम। ये लोग कहीं आम के पल्लो तोड़ेंगे, कहीं बहुत तोड़ेंगे, नुकसान करते हैं। ये सब ट्रैक्टर से यहाँ जुताई की गई है। उस पेड़ में है ना? अरे ए सुनो यार, थोड़ी सी रोटी भी वहीं दे देना था। ले 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 आओ, दो कदम आगे बढ़ो, थोड़ा रोटी रख दो दूर दूर पर, ले भाई इन्हीं लोगों के लिए है। ये देव आओ, लो पक्के, हम यादें नहीं था कि वहाँ बंदर हैं। देखो छोटा सा बच्चा बैठा है, देव ये भी उठा दो, वो भी गिरा है, वो भी उठा लो, ये और ले लो, उसी झोले में डाल दो, झोले में डाल दो, ऐसे हाँ ले जाओ, ले आ आ आ। अभी कोई पेड़ के नीचे नहीं उतरा, इसने ये सब डरपोक और चालाक है। ले क्योंकि इनको कोई खाना पीना देता तो है नहीं, ये लोग घबराए घबराए से रहते हैं। कौन लोग हैं भाई? ये देखो छोटे छोटे बालाजी वहाँ पर। हाँ हाँ, रख दो रख दो रख दो, आवाज़ मत करो यार। अरे अब उसके नीचे फेंको, डाल के नीचे रोटी गिरे जाके। हाँ जाओ मत, दूर से फेंक दो, इनके निगाह पड़ जाए, बस फेंक दो ये। हाँ आ आ आ, बस चले आओ, वहीं गेहूँ के ढेर रख के चले आओ जल्दी। सब लड़के वहाँ से गुंताड़े में खड़े हैं, देखो तीन तीन जने देख रहे हैं। हालांकि वैसा नहीं करेंगे, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं, बच्चे तो बच्चे, ये समझदार तो है नहीं। ये देखो ये कितनी लंबी पूंछ लटक रही है इनकी। कदमी आम का बाग है राजा साहब का, ये सब बिक चुका है। ये आ गए, वाह, जय हो जय हो, जय जय हनुमान, जय हनुमान, वाह जय बजरंग बली, वाह। आओ चले आओ, थोड़ा यहाँ भी फेंक दें, बरखाबर जोत करके बराबर जमीन हो तो अच्छा हो। अरे किनारे किनारे गोड़ाई करा दो, पूरे में गोड़ने की क्या जरूरत। ले ये दो खाओ, ये दो ले खाओ, ले लो, भागो मत भाई। ये रखा दो, ये रखा दो, ए तुम हो छोटपन्नू, उठा लो रोटी। हाँ तुम उठा लो रोटी भाई, ये रोटी ले लो, ये और रोटी फेंक दिया, बिन बिन खा दो सब, लो खाओ। कई बार आएंगे जाएंगे ना, ये सब परख जाएंगे। रानी खेरा, रानी खेरा है? सब आ गए ना? हाँ बस बन गया काम। चलो इस इलाके में हम लोगों को सुनो, शुभम खेड़ा, रानी खेड़ा है। अरे देखो यार वो आ रहे हैं, ले 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 राकेश, ले भैया ले। अरे बालाजी ले भाई, बालाजी ले भाई, ले बल्कि हाँ, और थोड़ा उसी झोले में डाल दो, उसी में टांग दो बगल में। हाँ ले,
ये देखो, हाँ चलो अब हम शुभम खेड़ा में मिल जाए अगर तो मज़ा आ जाए। हाँ थोड़ा बढ़ के डाल दो, फिर वहीं जाओ। हाँ वहीं पर, वहीं उसी इलाके में डाल दो, क्योंकि जंगली टाइप के हैं, समस्या तो है नहीं। अब यही बराबर मैदान हो, आदमी तेजी से चला जाए, यहाँ पता नहीं कह लिए जोता पड़ा हुआ। अरे पेड़ के नीचे गुड़ाई करवा दो लेबर लगा करके। इसके नीचे कैसे ट्रैक्टर चला होगा? हाँ रख दो रख दो, और थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। काले मुंह के बंदर मिल गए हमको, ठीक लगता है कि हनुमान जी मिल गए। बड़े फल हैं इनके अंदर, बहुत चमत्कार है साहब, वो चमत्कार है कभी। हाँ ये देखो, हाँ ऐसे फेंक दो, करीब जाओगे तो भाग जाएंगे। बस 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 चले आओ, आगे के लिए रखना है ना भाई, थोड़ा बचा ले। शांति भाई, भाई मशीन का इंतजाम करो, वो जम्बू जेट हमारे लिए हमको लगता है उसको भेजो। कंपनी वाले अभी तो सील बंद रखा है, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा आएगा आएगा। क्यों राकेश, अभी सील बंद रखा है, सील भी नहीं खोला गया, तो एकदम नया है समझिए। और ट्रांसपोर्ट का वो खर्चा बर्दाश्त करें, ये जम्बो जेट को कहीं, अरे बहुत से कंपनी वाले ले लेंगे यूपी के अंदर, छोटी मशीन भेजें हैं। हम लोग आते हैं रोज रायबरेली में जाते हैं, कहें बाबा उसमें 5 किलो बन जाएगा। अरे 5 किलो बनेगा, देखो टट्टी पड़ी, 5 किलो तो बन जाएगा, लेकिन वो जम्बो जेट में बिजली कितना खाएगा, वो कितना बड़ा जहाज है वो। अरे भाई वहाँ के लिए ज़रूरी है ना, जब हमको बाइक की ज़रूरत हो, बाइक की जगह ट्रैक्टर दे दो तो फायदे क्या। आ गए ना नीचे उतर के। हाँ हमने रोटी फेंका था इनको दिखा करके, ये सब आम के बौर हैं, इस वक्त कलनी आम के बाग हैं। चलो सुबह हम यहीं देखे गए थे और हमारा अंदाज सही निकला, आप भागे जा रहे थे, हमने कहा ना यहीं जगह पहचान दो। इसी तरह शुभम खेड़ा में है ना, वहाँ मिल जाएंगे रास्ते में कहीं, वो हो सकता है सड़क पर मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा देते हुए। इसलिए गेहूँ हर वक्त 20 किलो गेहूँ रखो। सुबह क्या है, हमने यहाँ वीडियो बनाया था सब यहाँ का, सब उस समय चमक रहा था बिल्कुल, अभी अभी धूप पड़ रही तो चमक रहे हैं सब, ओस जो गिरा। चलो हो गया, पीछे बैठने से केवल एक डाल हमको हिलता हुआ दिखा, ये हनुमान जी की कृपा है समझ गए। एक डाल को मैंने हिलता हुआ केवल देखा बस, और सुबह एक बंदर को उस पेड़ पर मैंने देखा, एक को ये होता है। ठीक चलें बैठ जाए, जय श्री राम।